हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स शो। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 25 एमसीक्यूज जो कि रिलेटेड रहेंगे आपके म्यूचुअल फंड से। अगर आपके एग्ज़ाम में या फिर आपके सिलेबस में म्यूचुअल फंड्स का कंसेप्ट है तो ये 25 एमसीक्यूज आपके म्यूचुअल फंड्स के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी लोगों ने ये वीडियो ओपन कर ली है तो साथ में आप लोग अपने एक नोटबुक और पेन रख ले, सो दैट जैसे जैसे मैं आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करवाता रहूं, वैसे वैसे आप अपने नोट्स भी बनवाते रहो। मैं प्रिंस कुशवाहा पूरा ट्राई करूंगा कि ये 25 के 25 एमसीक्यूज आपके माइंड में स्टोर हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? क्या म्यूचुअल फंड एक सेविंग अकाउंट है बैंक में? क्या म्यूचुअल फंड एक फिक्स डिपॉजिट होता है या फिर म्यूचुअल फंड आपका इंश्योरेंस पॉलिसी होता है? जी नहीं, ना वो सेविंग अकाउंट होता है, ना फिक्स डिपॉजिट होता है, ना इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। वो क्या होता है? इट इज़ अ प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट फंड दैट पूल्स मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स। देखिए, म्यूचुअल फंड का क्या सीन रहता है, म्यूचुअल फंड कई सारे लोगों से, ठीक है, पैसे ले करके उसके बाद उसको अलग अलग टाइप के शेयर्स, इक्विटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो रिटर्न आता है उसमें से कुछ अपना कमीशन चार्ज करते हैं और फिर सारा का सारा पैसा आपको रिटर्न कर देते हैं। ये होता है म्यूचुअल फंड। तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। ए प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट फंड दैट पूल्स मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स, ठीक है, तो आपका फर्स्ट का हो जाएगा बी। Which type of mutual fund is designed to track the performance of a specific index? अगर आपको किसी specific index का performance check करना है, track करना है, तो आप क्या करोगे? आप कौन से mutual fund को use करोगे? आप use करोगे index fund। ध्यान रखिएगा, देखिए आप यहाँ पर word से, ये जो word लिखा है, अगर किसी specific index की performance आपको check करनी है तो index fund को ही आप opt करोगे, ठीक है, तो 2 का हो जाएगा B, इंडेक्स फंड। व्हाट डज NAV स्टैंड फॉर? NAV का फुल फॉर्म होता है नेट असेट वैल्यू। ध्यान रखिएगा, NAV का फुल फॉर्म होता है नेट असेट वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स? अब इसमें यहां पर जो एक ऑप्शन है जो कि इसका करेक्ट आंसर है, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, ठीक है। दे हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दे कैन ओनली बी बॉट एट स्पेसिफिक टाइम्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। दे आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज? नॉट एट ऑल। सही आंसर है आपका, दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड एट एनी टाइम्स एट द फंड्स NAV। आप इसको कभी भी परचेज कर सकते हो, कभी भी सोल्ड कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड जिसको आप कभी भी परचेस कर सकते हो, जिसको आप कभी भी सेल कर सकते हो, तो वो आपका ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन एक्सपेंस रेशियो? सबसे पहले तो हम लोग को पता करना होगा ये एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। एक्सपेंस रेशियो, जैसे समझ लीजिए, इट रेफर्स टू द फीस दैट इज चार्ज बाय द म्यूचुअल फंड कंपनीज, ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज है, ठीक है, तो ये जो भी पैसा चार्ज करेगी आपसे, ठीक है, आपके म्यूचुअल फंड्स को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है क्या, एक्सपेंस रेशियो, ठीक। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जितना भी सम अमाउंट म्यूचुअल फंड कंपनीज चार्ज करती है कस्टमर से, ठीक है, इन ऑर्डर टू मैनेज द म्यूचुअल फंड्स, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द परसेंटेज ऑफ असेट्स डिडक्टेड ईच ईयर फॉर फंड एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो का क्या सीन है? व्हाट इज एन एक्सपेंस रेशियो इन म्यूचुअल फंड्स? इट इज़ द परसेंटेज, ये एक परसेंट होता है आपके असेट्स में से जो भी डिडक्ट किया जाता है हर साल, किस लिए, फंड्स के एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सपेंस रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ असेट्स डिडक्टेड ईच ईयर फॉर फंड एक्सपेंसेस, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट प्राइमरली इन स्टॉक्स? ठीक है, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिस जो प्राइमरीली स्टॉक्स में डील करता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्विटी फंड। ध्यान रखिएगा, इक्विटी फंड ही ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि प्राइमरीली स्टॉक्स में डील करता है या फिर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, विच म्यूचुअल फंड इज बेस्ट सूटेड फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सीन है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बढ़िया आपके पास जो म्यूचुअल फंड है वो होता है मनी मार्केट फंड। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, मनी मार्केट फंड। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज अ लोड फी इन म्यूचुअल फंड? ठीक है, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के साथ आपको लोड फी का मतलब भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो लोड फी का क्या मतलब होता है? इट इज अ फी, सॉरी, व्हेन अ फी इज चार्ज्ड व्हाइल बाइंग और सेलिंग शेयर्स। अगर आप शेयर्स को सेल कर रहे हो या फिर बाय कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय आपके ऊपर एक चार्ज लगेगा, उस चार्ज को या फिर उस फी को हम लोग लोड फी कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? लोड फी इज ए फी दैट इज चार्ज्ड व्हेन बाइंग और सेलिंग शेयर्स, मतलब जब आप बाय करते हो या फिर शेयर्स को सेल करते हो। ठीक है, एट का बी। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड एम्स टू प्रोवाइड अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड इनकम? ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि एम ये करता है कि आपको ग्रोथ और इनकम दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर सके? ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, एक बैलेंस बनाना है दोनों में, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड फंड। ध्यान रखिएगा, बैलेंस्ड फंड क्या करता है? ये एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है किसका? ग्रोथ एंड इनकम का। ठीक है, तो नाइन्थ का सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स? इन सभी में से कौन कौन सा बेनिफिट है अगर हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं? प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जी हाँ, अगर हम अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स में तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट का सर्विस अपने को मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन, जी हाँ, जो वहाँ पर इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं वो अलग अलग शेयर्स या फिर अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं हमारे पैसा। लिक्विडिटी, कभी भी हम लोग उसको इन कैश करा सकते हैं, बिल्कुल। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी फीचर्स हैं या फिर ये सभी बेनिफिट्स हैं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? ऑल ऑफ द अबव। टेंथ का डी विल बी द राइट आंसर। व्हाट डज SIP स्टैंड्स फॉर इन म्यूचुअल फंड्स? SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार ये टर्म सुना होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट बॉन्ड्स? ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉन्ड फंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो बॉन्ड फंड है ये आपका ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि इन्वेस्ट करता है किसमें? गवर्नमेंट में और कॉरपोरेट बॉन्ड में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है गवर्नमेंट और कॉरपोरेट बॉन्ड में कौन सा म्यूचुअल फंड होता है जो कि इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए आपके पास क्या सामने आ जाएगा आंसर? बॉन्ड फंड। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का बी विल बी द राइट आंसर। सो सॉरी, इट वॉज 12। ठीक है, वॉट इज अ नो लोड म्यूचुअल फंड? नो लोड म्यूचुअल फंड क्या होता है? जब अगर कोई ऐसा फंड है जिसमें कोई सेल्स चार्जेस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसा फंड है जिसमें कोई सेल चार्जेस नहीं है, सेल्स चार्जेस नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नो लोड म्यूचुअल फंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें कोई सेल्स चार्जेस नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो नो लोड म्यूचुअल फंड हो जाएगा। ठीक है, 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14,
Which document provides detailed information about a mutual fund's objectives, risks and expenses? नॉर्मल सी बात है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा. यस यस यस, प्रॉस्पेक्टस. प्रॉस्पेक्टस में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल प्रोवाइड की जाती है, सो दैट जिनको भी म्यूचुअल फंड को परचेज करना है, मतलब बाई करना है, ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करना है, वो प्रॉस्पेक्टस की हेल्प से उसका ऑब्जेक्टिव, रिस्क, एक्सपेंसेस और भी बहुत सारी चीज़ें वो पता कर सकें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें. ठीक है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रॉस्पेक्टस. प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिस्क क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड फोकसेस ऑन ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री और सेक्टर. ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि फोकस करता है किस पे, स्पेसिफिक इंडस्ट्री या फिर सेक्टर पे. ठीक है, तो नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, सेक्टर फंड. ठीक है, सेक्टर फंड क्या करता है, ये इसका मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, इंडस्ट्री या फिर किसी सेक्टर पे. ठीक है, ठीक है, इस पर किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या फिर किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे इसका फोकस होता है. तो 15 का बी, यानी कि सेक्टर फंड. वॉट इज अ डिविडेंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स. डिविडेंड का क्या मतलब होता है, देखिए जब भी हम कुछ पैसे अर्न करते हैं, ठीक है, जब भी हम कुछ पैसे अर्न करते हैं तो उसका हम लोग दो मतलब बाइफर्केशन कर सकते हैं, या तो उसको हम क्या करेंगे, रिटेन करेंगे. रिटेन का मतलब क्या होता है, मतलब सेव करके रख लेंगे फ्यूचर के लिए, और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे शेयर होल्डर्स में. तो जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मनी है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड. ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्शन ऑफ फंड्स अर्निंग. जो भी हमने फंड अर्न किया है उसमें से जब हम लोग पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका एक पोर्शन, तो फिर वो आपका डिविडेंड कहलाता है. तो 16 का सही आंसर हो जाएगा. यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि डिविडेंड क्या होता है म्यूचुअल फंड के कंटेक्स्ट में, और यहाँ आंसर लिखा हुआ है ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ फंड्स अर्निंग. ठीक है, 16 का बी. क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्स एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, तो टैक्स एडवांटेज या म्यूचुअल फंड्स, तो इसमें यहाँ पर यह पूछा है कि इन सभी में से नो कैपिटल के, इन सभी ऑप्शन में से कौन सा टैक्स एडवांटेज है म्यूचुअल फंड के केस में. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टैक्स डेफरल. ठीक है, ऑन री इन्वेस्टिंग डिविडेंड्स. ठीक है, ऐसे डिविडेंड्स जिसमें री इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, उस पर टैक्स डेफरल मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो 17 का हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इज टिपिकली द लीस्ट रिस्की. ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि सबसे कम रिस्की होता है. तो चलिए हम आप लोगों को एक ऑर्डर समझा देते हैं कि सबसे ज़्यादा रिस्क के, सबसे ज़्यादा रिस्की कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है, और फिर उसके बाद कौन सा होता है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रिस्की होता है वो होता है आपका इन सभी में से सेक्टर फंड. ठीक, उसके बाद जो रिस्की होता है वो होता है आपका इक्विटी. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इस ऑर्डर को याद कर लीजिएगा. थर्ड नंबर पर आपका जो रिस्की होता है वो होता है बॉन्ड, और फिर सबसे कम रिस्की जो होता है वो आपका होता है MMF, यानी कि मनी मार्केट फंड. तो यहाँ पर क्या पूछा गया ऊपर, लीस्ट रिस्की, सबसे कम रिस्की कौन होता है, तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, सॉरी मनी मार्केट फंड हमारा सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, यानी कि 18 का सी. क्वेश्चन नंबर 9, AUM का फुल फॉर्म क्या है म्यूचुअल फंड्स के कंटेक्स्ट में. ठीक है, तो AUM का फुल फॉर्म होता है असेट्स अंडर मैनेजमेंट. ध्यान रखिएगा, AUM का फुल फॉर्म होता है एज पर द कंटेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, असेट्स अंडर मैनेजमेंट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ग्रोथ फंड. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी ग्रोथ फंड का. ठीक है, स्टेडी इनकम, मतलब आपके पास इनकम आती रहे, चाहे बहुत ज़्यादा हो चाहे बहुत कम हो. ठीक है,
इसका ये कहने का मतलब है टू प्रिजर्व कैपिटल, कैपिटल को सेव करना, नहीं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, इट कैन बी अ बेटर ऑप्शन, बट वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, टू अचीव कैपिटल अप्रिशिएशन, जो भी कैपिटल आपने इन्वेस्ट किए हैं उसको अप्रिशिएट करना, मतलब उसमें एक बढ़ोतरी लाना, ठीक है, ये होता है ग्रोथ फंड का मेन ऑब्जेक्टिव। स्टेडी इनकम का मतलब हो जाएगा कि आपके पास बस पैसे आ रहे हैं, अब कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आ रहे हैं। तो ये कौन चाहता है कि बस आए, सभी तो ये चाहते हैं ना कि उनके पैसे इंक्रीज हों, इसीलिए ग्रोथ फंड का भी यही मेन ऑब्जेक्ट कि वो आपके कैपिटल को अप्रिशिएट करे। तो 20 का हो जाएगा सी, यानी कि टू अचीव कैपिटल अप्रिशिएशन। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड वुड यू चूज फॉर हाई लिक्विडिटी। अब देखिए लिक्विडिटी के लिए भी हम आप लोगों को यहां पर एक ऑर्डर प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन होता है और सबसे कम लिक्विड कौन होता है। देखिए हाई, देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं हाई टू लो, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा लिक्विड जो होता है म्यूचुअल फंड वो होता है आपका मनी मार्केट फंड, ठीक है, मनी मार्केट फंड आपका सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, हाईली लिक्विड। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका बॉन्ड, ठीक, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका इक्विटी, और फिर लास्ट में आपका हो जाएगा सेक्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऊपर वो बैलेंस्ड फंड है वो तो नॉर्मल ही रहता है, उसमें कोई हाईली लिक्विड वाला सीन नहीं है, वो लिक्विडेबल भी है नॉन लिक्विडेबल भी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे हाई लिक्विड होता है, हाईली लिक्विड होता है MMF यानी कि मनी मार्केट फंड, फिर उसके बाद बॉन्ड फंड, फिर उसके बाद इक्विटी, फिर लास्ट में सेक्टर फंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड वुड यू चूज फॉर हाईली लिक्विडिटी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट फंड सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। वॉट इज द लॉक इन पीरियड फॉर ELSS। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा ELSS का फुल फॉर्म, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, ELSS, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इसका लॉक इन पीरियड क्या होता है ये पूछा गया है, तो लॉक इन पीरियड आपका होता है 3 ईयर्स, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 3 ईयर्स होता है ELSS का लॉक इन पीरियड, और 3 ईयर्स कब से, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि ELSS का लॉक इन पीरियड कितना होता है, तो हम लोगों ने देख लिया 3 ईयर्स होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का सी। वॉट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एन इंडेक्स फंड ओवर एक्टिवली मैनेज्ड फंड, ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लोअर कॉस्ट। जो इंडेक्स फंड है, ठीक है, उसमें ये एडवांटेज होते हैं कि उसका कॉस्ट लोअर होता है इन कंपैरिजन टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का बी, यानी कि लोअर कॉस्ट। विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इज बेस्ट फॉर समवन सीकिंग रेगुलर इनकम। अगर आप चाहते हो कि आपके पास रेगुलर बेसिस पे इनकम आती रहे, ठीक है, तो कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनकम फंड। आपको ध्यान रखना है अगर आपका रेगुलर इनकम चाहिए तो फिर आपको इनकम फंड में इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एंड हमारी सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज अ फंड ऑफ फंड्स। मतलब ये फंड ऑफ फंड्स का क्या कंसेप्ट, मतलब ये कंसेप्ट है क्या, तो इसका सही आंसर है ए म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन अदर म्यूचुअल फंड। मतलब मान लो अगर कोई एक म्यूचुअल फंड है और उस म्यूचुअल फंड ने अपने पैसे किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं, तो फिर वो हो जाएगा आपका फंड ऑफ फंड्स, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 25। तो गाइज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। इन केस अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व देम फॉर यू।
ठीक है, आप सभी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत सारा पानी पीजिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।